गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कल हमने क्या डिस्कस किया था? अगर मैं आपसे पूछूं तो कल हमने स्टार्ट किया था बायबैक। बायबैक का मतलब सारे बच्चों को कल मैंने बताया था कि बायबैक मतलब जब कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी खुद किससे खरीदती है बेटा, शेयर होल्डर से परचेज करती है। जब कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटी मतलब अपने शेयर्स खुद शेयर होल्डर से खरीदती है और उसका पेमेंट कर देती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायबैक। मतलब ये जस्ट इशू ऑफ शेयर्स का उल्टा होता है, जिसमें कंपनी शेयर इशू करती है उससे जस्ट उल्टा क्या होता है बेटा, बायबैक ऑफ शेयर्स होता है। मैंने आपको बताया था इसमें कौन कौन से प्रोविजंस लगेंगे। तो अगर आपकी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है तो उस पर ये दोनों प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 68, 69 और 70। साथ ही साथ लगेगा रूल 17 ऑफ कंपनीज शेयर्स कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 का। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइन भी एप्लीकेबल होंगी। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्ट पढ़े थे। ऑब्जेक्ट में सबसे पहला ऑब्जेक्ट सारे बच्चों को मैंने आपको बताया था कि कोई कंपनी बायबैक क्यों करना चाहती है। तो बायबैक करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहला ऑब्जेक्ट सारे बच्चों को मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी बायबैक इसलिए करना चाहती है क्यों, क्योंकि कंपनी के शेयर की प्राइस गिर गई है और कंपनी अपने शेयर की प्राइस को बढ़ाना चाहती है, या शेयर की प्राइस जानबूझ के कोई गिरा रहा है और मैनेजमेंट को लग रहा है कि यार शेयर की प्राइस जो है वो एक सही वैल्यू नहीं है, मार्केट के अंदर सही वैल्यू नहीं चल रही है, तो वो स्टॉक मार्केट में बायबैक ला करके अपनी शेयर की प्राइस को बढ़ा सकती है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया था थर्ड पॉइंट की कंपनी अपने ईपीएस को बढ़ाने के लिए भी बायबैक करती है ताकि कंपनी का ईपीएस बढ़ जाए, कंट्रोल कम हो जाए। इसके अलावा प्रमोटर्स का कंट्रोल बढ़ाने के लिए, पब्लिक का कंट्रोल कम करने के लिए भी कंपनी बायबैक कर सकती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भी कंपनी बायबैक कर सकती है। और मैंने आपको बताया था अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है तो उस सरप्लस कैश के यूटिलाइजेशन के लिए भी कंपनी बायबैक कर सकती है। और बायबैक शेयर होल्डर को एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, वो चाहें तो अपने शेयर कंपनी को भी बेच सकते हैं और चाहें तो स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, उनके पास दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी, एक्स्ट्रा एग्जिट रूट भी प्रोवाइड करता है। ये कुछ ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किए थे कल। सारे बच्चे बताओ जितना हमने कल डिस्कस किया था समझ में आ गया था? हेलो, गुड बच्चों। तो अब जितना हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा चैप्टर्स में, थोड़ी सी हम आगे बढ़ेंगे अब चैप्टर्स में हमारे। कल मैंने आपसे बोला था टीसीएस ने बायबैक किया था, किया था कि नहीं बोलो। हेलो बच्चों, और टीसीएस ने बायबैक कौन सी प्राइस पर किया था? मैंने आपको कल बताया था 2100 रुपये पर उन्होंने बायबैक की ऑफर प्राइस डाली थी कि भाई कंपनी अपने 2100 रुपये पर शेयर खरीदती है। कल मैंने आपको ये भी बताया था कंपनी के पास ह्यूज सरप्लस ऑफ फंड पड़ा था इसलिए उन्होंने बायबैक किया था। उसी से रिलेटेड एक क्लिप है मेरे पास टेलीविजन की, वो क्लिप आपको दिखाता हूँ। जब टीसीएस का बायबैक आया था तब ये क्लिप आई थी, तो मैं आपको उस क्लिप को दिखाता हूँ। सुने जरा बायबैक के बारे में ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, सुने क्या बोलते हैं लोग। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं टीसीएस के बायबैक की पाठशाला। और आज बायबैक की बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे टीचर मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और मैं हूं पूजा। और हम आज समझेंगे कि टीसीएस का बायबैक जो अनाउंस हुआ है उससे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको, और अगर आप नए निवेशक हैं उन्हें किस तरह का फ़ायदा होगा, ये छोटी छोटी बारीकियाँ आज के क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो यही उठता है कि ये बायबैक, बायबैक क्या होता है? पहला सवाल तो यही है। देखिए सिंपल, बायबैक जैसा कि नाम है, कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है, ओके उसे बायबैक कहते हैं। यानी कि कंपनी के शेयर इशू हुए हैं, लिस्टेड हैं, ट्रेड होते हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट चाहे कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है और वो उनके शेयर फिर से खरीद लेना चाहें। क्यों करना चाहती है कंपनी ऐसा? क्योंकि अगर पैसा है और उस पैसे को आगे उन्हें किसी कारोबार में नहीं लगाना है, एडिशनल पैसा है, तो फिर वो अपने शेयर खरीदते हैं। जैसे वो अपने शेयर खरीदते हैं
तो बाजार में से शेयर कम हो जाते हैं, जो कम शेयर हो गए तो बचे हुए शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए कंपनी अपने एडिशनल पैसे को जो उन्हें कारोबार में के एक्सपांशन में नहीं लगाना है, दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती है शेयर होल्डर्स के लिए, या तो बड़ा डिविडेंड दे दे या फिर बायबैक कर ले। अब अचानक से बायबैक क्यों होने लगे ज़्यादा पूजा? उसकी वजह यह है कि बायबैक इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि डिविडेंड पर सरकार ने लगा दिया टैक्स, तो अब भारी भरकम टैक्स लगता है। तो इसलिए कंपनी ने रास्ता निकाला कि बजाय ये कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, डिविडेंड बांटें, बड़ा टैक्स भरें सरकार को, अच्छा है बायबैक कर ले। तो इनडायरेक्टली तो फायदा शेयर होल्डर्स को मिल ही रहा है, तो इसलिए बायबैक आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। तो इस पर ही मेरा अगला सवाल था, आपने बात की कि कंपनी के पास कैश बहुत पड़ा है इसलिए वो ये प्रोसेस लेकर आ रही है, और डिविडेंड इस वजह से डिविडेंड की जगह उन्होंने बायबैक प्रेफर किया। तो अब क्या मैं ये समझूं कि अब बायबैक आ गया है तो डिविडेंड आने में टाइम लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बायबैक और डिविडेंड से अल्टीमेटली ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। और कंपनियां कभी भी बायबैक करने के लिए डिविडेंड स्किप नहीं करेगी, डिविडेंड तो देंगी ही, जो दे रही वो देंगी ही, हो सकता है बढ़ भी जाए। बायबैक तो आप तभी करते हैं जब आपको डिविडेंड देने के बावजूद भी बहुत पैसा बच जाता है। राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद सभी शेयरधारकों के मन में भी होगा। तो अब बात करते हैं टीसीएस की, जब टीसीएस बायबैक क्यों कर रही है और उससे कंपनी को क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा है कंपनी। देखिए, टीसीएस के मैनेजमेंट ने साफ तौर पर गाइड किया कि लगभग 12% की सालाना ग्रोथ से कंपनी आगे बढ़ेगी। हर साल मोटा मोटी आप समझ लीजिए 30,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास आएगा। अब ये 30,000 करोड़ का करेगी क्या कंपनी? कुछ नए एक्विजिशन करें, कामकाज में लगाएं, उसके बावजूद पैसा बचेगा, तो फिर दो तरीका है, डिविडेंड। जो टीसीएस ने पिछले लगातार चार सालों से कैश जनरेशन होने के बावजूद डिविडेंड वही का वही रखा है, डिविडेंड का रेशियो नहीं बढ़ाया, तो फिर दूसरा तरीका क्या है? बायबैक कर लिया जाए। बायबैक करने में होगा क्या, जिन लोगों को बायबैक में भाग लेना है वो अपने शेयर बेच सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि बायबैक जो होता है आमतौर पर जो मार्केट प्राइस है उससे प्रीमियम पर होता है, है ना। तो इसलिए टीसीएस के पास जो भारी भरकम कैश है उनकी बैलेंस शीट पे 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का, उसमें से उन्होंने सोचा है कि एक 16,000 करोड़ का बायबैक कर लिया जाए। तो टीसीएस अपने शेयरधारकों को पैसा वापस रिटर्न करना चाहती है बायबैक के जरिए, इसलिए वो लेकर आ रही है। तो क्या इस बायबैक में हर कोई पार्टिसिपेट? तो बच्चों, आपने सुना टीसीएस का बायबैक आया, तो टीसीएस क्यों बायबैक लेके आई, इसके पीछे ऑब्जेक्ट सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा मैंने जो बताया आपको? बोलो। हेलो, गुड। तो मैंने क्या बताया था, देखो टीसीएस के पास ह्यूज कैश मनी पड़ी थी, टीसीएस डिविडेंड भी दे चुकी है, टीसीएस का एक फिक्स परसेंटेज है कि इतने परसेंट पैसा ग्रोथ में लगाना है, वो भी लगा दिया। उसके बाद भी टीसीएस के पास सरप्लस कैश पड़ा था, तो उस सरप्लस कैश का यूज उन्होंने बायबैक में किया, और बायबैक करने से एक फायदा जो बहुत अच्छा फायदा शेयर होल्डर को भी मिलता है वो ये कि उनके ऊपर डिविडेंड टैक्स जो है वो नहीं लगता है बायबैक करने से। जबकि डिविडेंड बांटते हैं तो डिविडेंड पर डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था, जो कि अब तो इस फाइनेंशियल ईयर से खत्म हो चुका है, बट फिर भी अब शेयर होल्डर के हाथों में वो डिविडेंड टैक्स के रूप में टैक्स पेबल होता है। पहले कम शेयर होल्डर के हाथों में टैक्स फ्री होता था, कंपनी को देना पड़ता था, बट अब कंपनी के हाथों में टैक्स फ्री हो गया है तो शेयर होल्डर को देना पड़ता, तो अल्टीमेटली टैक्स तो देना ही है। तो वो एक नुकसान था, उस नुकसान की भरपाई किसके थ्रू कर सकते हैं हम? बायबैक के थ्रू कर सकते हैं, ताकि टैक्स जैसी कोई भी बात नहीं आए। तो क्या सर बायबैक करने पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा? नहीं बेटा, कंपनी को देने की जरूरत नहीं है, शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और कैपिटल गेन टैक्स की रेट जो है बेटा वो कम होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ा से फायदे हैं किसके, फटाफट बोलो, बायबैक लाने के। आई होप सबको बायबैक के एडवांटेज समझ में आ गए। अब बायबैक में कंपनी को करना क्या है? बिल्कुल सर, क्या करना है बेटा? कंपनी शेयर होल्डर से शेयर खरीदेगी। ये शेयर होल्डर है कंपनी के, ढेर सारे शेयर होल्डर हैं, इनसे कंपनी क्या खरीदेगी? शेयर्स खरीदेगी। जी सौम्या बेटा, आप क्या बोलना चाहते हो? बिल्कुल बेटा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स की रेट एक नॉर्मल गेन टैक्स की रेट से, नॉर्मल 30% टैक्स देना पड़ता है, उससे कम होती है, इसलिए कैपिटल गेन टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ बेटा, भाई आपने बायबैक होगी तो इनकम होगी ना बेटा, आपने शेयर खरीदा 1800 रुपए में, कंपनी को बेचोगे 2100 रुपए में, तो
प्रॉफिट होगा ना आपको। एग्जिस्टिंग वालों की भी होगी, जो एग्जिस्टिंग वालों हैं उनकी भी होंगी। क्यों? क्योंकि उनने जब शेयर खरीदे होंगे तो कितने में खरीदे होंगे? 2100 के भाव में थोड़े ना खरीदे होंगे, सस्ते में खरीदे होंगे, बहुत पहले इशू हो गए थे उनको। 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में हो सकता है, 100 रुपये में इशू किया हो TCS ने, तो 100 वाली चीज़ अब वो 2100 में बेचने जाएंगे तो उनकी बुक्स में प्रॉफिट आएगा कि नहीं? हेलो, कोई उनको फ्री में थोड़ी ना मिल गए थे शेयर, उनने कभी तो खरीदे होंगे। हेलो सौम्या, हाँ कभी तो खरीदे होंगे। अब वो किस प्राइस पे खरीदे थे डिपेंड, लॉस भी हो सकता है, हो सकता है उन 2100 से ज़्यादा में खरीदे हों तो लॉस हो सकता है, कैपिटल लॉस होगा तो उसका फ्यूचर में सेटअप मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो टैक्स तो देना पड़ता है, आज नहीं तो कल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, टैक्स रेट कम होती है नॉर्मल रेट से, क्लियर? हाँ, अब और कौन पूछ रहा, चाह रहा है, एक और कोई क्वेश्चन आया है सर, सेक्शन में क्या लिखा है TCS ने? हाँ, रेडी बायबैक बेटा, ये अभी हम समझा रहे हैं, अभी समझते हैं कैसे बायबैक हुआ, क्या हुआ, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। चलें अभी आप ध्यान से देखें, कंपनी बायबैक में करती क्या है? आपको पता है शेयर होल्डर से शेयर खरीदेगी, खरीदेगी कि नहीं बोलो? हेलो बच्चों, अब आप सबको पता है TCS ने जब बायबैक किया तो 2% इक्विटी शेयर्स खरीदे, केवल 2%। अब ढेर सारे लोग शेयर होल्डर हैं, मैं किसका शेयर खरीदूं किसका नहीं, एक समस्या वाली बात है कि किससे खरीदें शेयर। अब भाई जैसे आप लोगों, आप में से सबके पास शेयर्स हैं और मान लो 10 लाख शेयर हैं, उन 10 लाख में से मेरे को केवल 1 लाख शेयर खरीदना है, मैं केवल 10% शेयर ही खरीद रहा हूं, 1 लाख शेयर खरीदना मेरे को, तो मैं किसके खरीदूं? ए से खरीदूं, बी से खरीदूं, सी से खरीदूं, डी से खरीदूं, कौन से शेयर होल्डर से खरीदूं? तो भाई किससे शेयर खरीदूं, ये एक बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब कंपनी शेयर होल्डर से शेयर खरीदेगी और पेमेंट करेगी तो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी को कि कौन सी मेथड से शेयर खरीदना चाहती है। तो बायबैक करने की, बायबैक ऑफ शेयर्स की मेथड्स होती हैं बेटा, वो मेथड कितनी है? चार। पहली मेथड होती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर खरीदना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप शेयर्स खरीद सकते हो, पहला तरीका। इसको टेंडर मेथड भी बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं? फटाफट बोलो, टेंडर मेथड। तो पहली मेथड टेंडर, आप टेंडर मेथड के थ्रू बायबैक कर सकते हो। दूसरा तरीका है ओपन मार्केट से शेयर खरीद सकते हो। अगर आप ओपन मार्केट से शेयर खरीदने जाते हो तो स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद सकते हो, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू खरीद सकते हो। दो तरीके हैं आपके पास, स्टॉक मार्केट और दूसरा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू भी खरीद सकते हो। तीसरा तरीका ऑड लॉट परचेज कर सकते हो, ऑड लॉट मेथड फॉलो कर सकते हो। और चौथा, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के शेयर खरीद सकते हो। आप सभी बच्चों ने ईशो पढ़ रखा है, ईशो में शेयर इंप्लॉय को इशू होते हैं, तो कंपनी बायबैक केवल इंप्लॉय के लेके ले आए कि जो इंप्लॉय के पास शेयर है, कंपनी केवल वही शेयर्स खरीद रही है, तो इंप्लॉय के लिए भी ला सकती है। तो बायबैक करने की कितनी मेथड्स होगी बेटा? चार। इन चारों को अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। पहला तरीका जल्दी बताएं जोर से, पहला तरीका क्या हो गया बोलो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, इसको आप कौन सी मेथड लिखोगे? टेंडर मेथड। तो टेंडर मेथड से खरीद सकते हैं। ओपन मार्केट में आपके पास दो रास्ते हैं, स्टॉक मार्केट, बुक बिल्डिंग, दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो। तीसरा है बेटा ऑड लॉट मेथड, आप ऑड लॉट मेथड से खरीद सकते हो। और चौथा है आपके पास किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के शेयर्स खरीद लो, से एम्प्लॉय से ईशो वाले शेयर्स परचेज कर ले कंपनी। इस तरीके से कंपनी इनमें से कोई भी एक मेथड फॉलो करके बायबैक कर सकती है। कंपनी कोई भी मेथड लगाए इनमें से, स्पेसिफिकली टेंडर और बुक बिल्डिंग, ये दो मेथड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेंडर मेथड और दूसरा बुक बिल्डिंग मेथड। बाकी मेथड के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूं। जब भी कोई कंपनी इनके थ्रू शेयर्स खरीदने जाएगी, इनके थ्रू शेयर्स खरीदने जाएगी, तो
तो कंपनी जब भी शेयर्स खरीदने जाएगी बेटा, चाहे वो टेंडर मेथड के साथ जाए, चाहे वो किसके थ्रू जाए, फटाफट बोलो, बुक बिल्डिंग के थ्रू जाए, तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो पब्लिक होती है, शेयर होल्डर होते हैं, ये जो शेयर होल्डर होते हैं ये दो कैटेगरी के में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं रिटेल शेयर होल्डर और दूसरे होते हैं नॉन रिटेल शेयर होल्डर। नॉन रिटेल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है, क्लियर, जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा होती है। मतलब सर, मतलब ये इनसे एप्लीकेशंस बुलाई जाती हैं कि आओ भैया एप्लीकेशंस दो। तो रिटेल शेयर होल्डर भी बायबैक की एप्लीकेशन फिल करते हैं कि भैया हम हमारे शेयर बेचना चाहते हैं, और जो नॉन रिटेल शेयर होल्डर होते हैं वो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं कि भैया हम भी शेयर्स बेचना चाहते हैं। दोनों लोग ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजते हैं, लेकिन दोनों की एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है, जो रिटेल शेयर होल्डर होते हैं उनके एप्लीकेशन की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होती है, और जो नॉन रिटेल शेयर होल्डर होते हैं उनके एप्लीकेशन की वैल्यू 2 लाख रुपए से ज्यादा होती है। तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है बेटा शेयर होल्डर। एक होती है कौन सी, फटाफट बोलो, रिटेल शेयर होल्डर, और दूसरे होते हैं नॉन रिटेल शेयर होल्डर। तो रिटेल शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिनकी, जिनके शेयर एप्लीकेशन की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम या 2 लाख रुपए तक ही होती है। 2 लाख से ऊपर की अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दी तो आप नॉन रिटेल कैटेगरी में चले जाओगे। सर दोनों में फर्क क्या पड़ जाएगा, फर्क ये पड़ जाता है बेटा कि कुछ नॉन रिटेल के लिए बायबैक रिजर्व होता है, रिजर्व होता है कि 15% शेयर नॉन रिटेल से खरीदेंगे, बाकी रिटेल से खरीदेंगे। कुछ रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज का फायदा अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदना या बेचना पड़ेंगे, और 2 लाख से कम रखते हो तो आपके पास दूसरी कैटेगरी में चले जाओगे आप। तो उस कैटेगरी में आपकी एप्लीकेशन चूज की जाएगी कि नहीं की जाएगी, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, चाहे वो टेंडर मेथड हो चाहे वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस मेथड हो। दोनों ही केसेस में पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म भरती है, बिल्कुल वैसा जैसा शेयर इशू के समय फॉर्म भरे जाते हैं, वैसे ही फॉर्म होते हैं किसके, बायबैक के। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में भर करके उसको बताना पड़ता है कि वो अपने शेयर बेचना चाहता है कंपनी को, क्लियर। हेलो बच्चों, इतना क्लियर हुआ? तो अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू का हो गया तो आप कौन सी कैटेगरी में चले जाओगे, फटाफट बोलो, नॉन रिटेल कैटेगरी। और अगर 2 लाख रुपए से कम की वैल्यू का फॉर्म हुआ या 2 लाख तक का ही फॉर्म हुआ तो आप किस में चले जाओगे, फटाफट बोलो, रिटेल कैटेगरी में, क्लियर। एज अ सीएस और एज अ सीएस स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो बच्चों, कभी भी बायबैक आए तो हमेशा उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बहुत फायदा होता है। हम लोग तो वेट करते हैं कि किस कंपनी का बायबैक आ रहा है, बायबैक आने के पहले ही आपको शेयर्स खरीदना पड़ेंगे, आपके अकाउंट में शेयर होना चाहिए, तब जाके आप बायबैक में हिस्सा ले पाओगे, नहीं तो बायबैक में हिस्सा नहीं ले पाओगे। और कभी भी आप अपने नाम से शेयर मत खरीदो, आप अपने नाम से खरीदो, अपनी वाइफ के नाम से खरीदो, अपने बच्चों के नाम से खरीदो, अपने दादाजी के नाम से, अपने पापा जी के नाम से कम 5-6 अकाउंट में शेयर्स खरीदो। और शेयर खरीदने के बाद फिर उन सारी एप्लीकेशन को रिटेल शेयर होल्डर के रूप में लगाओ ताकि वैल्यू 2 लाख से कम रहे, क्योंकि वहां चूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि नॉन रिटेल का परसेंटेज रिजर्व बहुत कम होता है। तो 2 लाख से कम में आप एप्लीकेशन भेजो, सबके नाम की एप्लीकेशन भेजो, कंपनी चूज कर लेगी। तो जो शेयर मार्केट में 1800 का मिल रहा था वो शेयर कंपनी 2100 में खरीदेगी, तो अल्टीमेटली आपको 300-400 रुपये का प्रॉफिट होगा, बना बनाया प्रॉफिट मिलता है, बशर्ते बायबैक आपने अच्छे से पढ़ रखा हो, अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर रखा हो। तो क्या सर इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं? बिल्कुल बेटा, इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। देखो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होते हैं, मैं आपको यहां दिखाता हूं। ये देखो मेरे पास एक बायबैक का एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा है, रिलायंस का बायबैक आया था, ये रिलायंस का पब्लिक अनाउंसमेंट है बायबैक का, ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सारी डिटेल लिखी रहती है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक हो रहा है, कौन सी कैटेगरी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, कौन सी मेथड से खरीदे जा रहे हैं, ये सारा बायबैक के फॉर्म के अंदर डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। ये देखें सबसे ऊपर सबसे पहले यही लिखा जाता है किसके थ्रू बायबैक हो रहा है। तो देखो ऑफर ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय ओपन मार्केट इन स्टॉक एक्सचेंज,
लिखा है साहब साहब, कौन सी मेथड से खरीद रहे हैं? फटाफट बोलो, ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, लिखा है साहब साहब कि नहीं बोलो? हेलो, ये लिखा रहता है। तो उन्हीं मेथड जो मैंने मेथड आपको बताई, उन्हीं मेथड में से एक मेथड को फॉलो करके कंपनी क्या कर सकती है? बायबैक कर सकती है। अब ध्यान से समझना, दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायबैक खरीदने के लिए। जब कंपनी बायबैक ऑफर करती है कि भैया कंपनी बायबैक ऑफर कर रही है, तो एक होती है ऑफर डेट, जिस दिन कंपनी ने क्या किया, ऑफर दिया, दैट इज ऑफर डेट। आज कंपनी का ऑफर आया, से आज कितनी तारीख है सर? 15th of January 2022। आज कंपनी ने ऑफर लाई कि कंपनी बायबैक करेगी, तो जिस दिन ऑफर आया उस दिन के शेयर आपके अकाउंट में शेयर है उस दिन नहीं देखा जाता। एक डेट होती है, उसको बोलते हैं एक्स ऑफर डेट। अब चूंकि बायबैक का ऑफर है इसलिए इसको बोलेंगे एक्स बायबैक डेट। इस एक्स बायबैक डेट के पहले पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो, आपके अकाउंट में कंपनी का शेयर आ जाता है, डीमेट अकाउंट में आपका कंपनी का शेयर आ जाता है, तो आप बायबैक में हिस्सा ले सकते हो। मतलब एक्स बायबैक डेट आने के पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सारे बच्चे बताओ, क्या करना पड़ेगा? शेयर खरीदना पड़ेंगे, किसके? कंपनी के। अगर आपके पास पहले से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो स्टॉक मार्केट में जाके खरीद लो। समझ में आया? बोलो हेलो। तो एक्स बायबैक डेट के पहले पहले खरीदना पड़ेगा। सर ये एक्स बायबैक डेट पहले से पता होती है? बिल्कुल बेटा, जो ऑफर लेटर आता है उस लेटर में एक्स बायबैक डेट गिवन होती है कि इस डेट के पहले पहले खरीदना पड़ेंगे। फिर इसके करीब एक या दो दिन के बाद एक होती है रिकॉर्ड डेट। इस रिकॉर्ड डेट पर कंपनी शेयर होल्डर का रजिस्टर तैयार करती है, और इस रिकॉर्ड डेट पर जिन लोगों के नाम इस रजिस्टर में आ जाते हैं बस उनके एप्लीकेशन फॉर्म ही कंपनी बायबैक के रूप में एक्सेप्ट करेगी, उसके अलावा फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं बोलो? तो एक्स डेट के पहले पहले आपको शेयर्स खरीदना पड़ेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट से खरीदो चाहे जहां से मिले, आपको खरीदना पड़ेंगे। इस डेट तक आप शेयर खरीद लो ताकि आपका नाम रिकॉर्ड डेट पर शेयर होल्डर के रजिस्टर में आ जाए, और शेयर होल्डर के रजिस्टर में जैसे ही आ गया आपका नाम, उसके बाद आप एलिजिबल हो गए हो क्या करने के लिए? फटाफट बोलो, बायबैक के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि सर बुक बिल्डिंग मेथड और टेंडर मेथड में क्या फर्क होता है? किसमें? फटाफट बोलो, जो मैंने आपको दो मेथड बताई कौन कौन सी, पहले तो फटाफट बोलो जल्दी से कौन कौन सी। एक तो बताई टेंडर मेथड, टेंडर मेथड मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे खरीदना, और दूसरा ओपन मार्केट में बताया थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और एक बताया है थ्रू बुक बिल्डिंग। तो बुक बिल्डिंग और टेंडर में क्या मेथड फर्क है? बेटा टेंडर मेथड में कंपनी बायबैक की प्राइस पहले से फिक्स कर देती है कि इस प्राइस पर बायबैक होगा। कंपनी ने फिक्स कर दिया 2100 रुपए पर शेयर खरीदे जाएंगे, फिक्स। दैट मेथड इज टेंडर मेथड। लेकिन अगर कंपनी एक प्राइस बैंड तय कर दे, प्राइस बैंड तय करे कि कंपनी बायबैक करेगी 2200 से लेकर के 2300 के बीच में, ये मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी, एक प्राइस वेंड तय कर दिया कि कंपनी इस प्राइस में शेयर खरीदना चाहती 2200 से 2300 के बीच में, अब तुमको जितने में बेचना हो बेचो, तो फिर पब्लिक अपने हिसाब से प्राइस कोट करके भेजेगी। हो सकता है मैं भूलूंगा भैया मैं 2300 में बेचूंगा, कोई बोल रहा है 2250 में बेच दूंगा, कोई बोल रहा कि 2101 में बेच देगा, कोई बोल रहा है 2205 रुपए में बेच देगा। तो सारे शेयर होल्डर अपनी अपनी प्राइस भर के बेचते हैं, फिर कंपनी उन सारी प्राइस में से एक प्राइस चूज करती है जिसको बोलते हैं कट ऑफ प्राइस, और उस कट ऑफ प्राइस के अंदर अगर आपका प्राइस बैंड भरा हुआ होगा, प्राइस बैंड भरा होगा मतलब उस कट ऑफ प्राइस से कंपनी ने तय किया 2250 में खरीदेगी, और आपने 2250 या 2250 से ज्यादा का लेटर डाला था कि मैं इतने में शेयर बेचना चाहता हूं, तो 2250 से ज्यादा का डाला था तो फिर आपका बायबैक नहीं होगा। 2250 से कम वाले, जो कम में बेचने वाले थे, उन सबको चूज कर लिया जाएगा,
और उन सब के शेयर्स कंपनी बायबैक कर लेगी। तो कंपनी बाद में प्राइस डिसाइड करती कि बायबैक प्राइस क्या रखेंगे, तो वो मेथड होती है बुक बिल्डिंग, और जिसमें पहले से फिक्स हो गई प्राइस वो होती है टेंडर मेथड। बात समझ में आ गई कि नहीं, दोनों में फर्क क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। हाँ बेटा बोलो। हेलो, एनी डाउट? अभी क्लियर हो गया सबको बुक बिल्डिंग और टेंडर मेथड? हेलो, गुड जी बेटा। हाँ, जब कंपनी शेयर्स की प्राइस फिक्स कर देती है तो वो फिक्स हो जाता कि भाई इतने में खरीदेंगे, लेकिन बुक बिल्डिंग में पहले से फिक्स नहीं होता। बुक बिल्डिंग में एक प्राइस बैंड दे देते हैं कि इस प्राइस के बीच में आपको अप्लाई करना है, कितने रुपए में बेचना चाहते हो, मतलब शेयर होल्डर के बाद खुद के पास ऑप्शन होता है कि भैया वो क्या प्राइस में बेचना चाहता है शेयर, जबकि टेंडर मेथड में प्राइस फिक्स रहती है। समझ में आया? हेलो हेलो, कंपनी फिक्स कर देती है, बिल्कुल। फिर शेयर होल्डर के पास च्वाइस नहीं होता, अगर वो बेचना चाहता है तो उसी प्राइस पे बेचे, जैसे टीसीएस ने बोल दिया 2100 में खरीदेगी, फिक्स। अगर तुमको बेचना हो तो बेचो, नहीं बेचना हो तो नहीं बेचो, लेकिन टीसीएस बोलती 2100 से 2300 के बीच में प्राइस रहेगी। तो कोई शेयर होल्डर बोलता मैं 2200 में बेचने को तैयार हूं, कोई बोलता मैं 2300 में बेचने को तैयार हूं, कोई बोलता 2150 में बेचने को तैयार हूं, डिपेंड। सारे शेयर होल्डर अपनी अपनी प्राइस भर के भेजते, फिर उतनी सारी प्राइस में से कंपनी एक प्राइस डिसाइड करती, वो प्राइस करती कट ऑफ प्राइस, और उस प्राइस पर, उस प्राइस या उस प्राइस से नीचे जो बेचने को तैयार होगा उनके बायबैक कर लेती। समझ में आया कि नहीं, बोलो। बस ये फर्क होता है। हालांकि बुक बिल्डिंग मेथड एक लंबी प्रोसेस है, मैं आपको अभी बताऊंगा दोनों में क्या फर्क होता है, किस तरह से मेथड प्रोसीजर्स फॉलो होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, बट ये एक तरीका है। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है। दोनों ही मेथड में शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे खरीदे जाते हैं। कैसे, समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1,00,000 शेयर होल्डर है और कंपनी केवल 1,00,000 शेयर्स खरीदना चाहती, केवल कितने खरीदना चाहती, फटाफट बोलो, 1,00,000। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 5,00,000 शेयर्स बेचने की, और कंपनी को इन 5,00,000 में से अब खरीदना केवल 1,00,000 है, तो कंपनी क्या करेगी, 5:1 का रेशो बना लेगी। जिन शेयर होल्डर ने 5 शेयर बेचने के लिए बोला होगा कि वो 5 शेयर बेचना चाहते हैं, उनके वो शेयर कंपनी केवल कितने शेयर खरीदेगी, 1 शेयर्स खरीदेगी। जैसे बचपन में जिसको आप प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते थे, वैसे यहाँ पर प्रोराटा बायबैक होगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। हेलो, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, मतलब टोटल एप्लीकेशन आई 5,00,000, लेकिन 5,00,000 में से कंपनी केवल 1,00,000 शेयर खरीद रही है, तो रेशो क्या बन गया, 5:1, मतलब जिन लोगों ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है वो 5 शेयर बेचना चाहते हैं, तो कंपनी उनका 1 शेयर ही खरीदेगी, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस हो गया ना बेटा, बोलो। हेलो, और दूसरा मेथड होता है बेटा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज वेरी गुड मेथड। स्टॉक मार्केट मतलब क्या, कंपनी क्या करे, सीधा कंपनी कहाँ चली जाए बेटा, स्टॉक मार्केट चली जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चली जाए। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो मैंने आपको बताया था यहाँ शेयर होल्डर शेयर बेचने के लिए खड़े ही होते हैं, बोलो, आया ना? तो एप्लीकेशन फॉर्म कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टॉक मार्केट में जाए और स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना चालू कर दे। तो यहाँ खरीदने में कंपनी को क्या फायदा है, यहाँ स्टॉक मार्केट से अगर कंपनी खरीदती है तो यहाँ कंपनी के पास 1 साल का समय होता है, 1 साल तक आराम आराम से शेयर खरीद सकते। कहां पर, फटाफट बोलो, अगर कहां से खरीद रही है कंपनी, जोर से बोलो, कहां से शेयर्स खरीदना जा रही है कंपनी, बोलो, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जाके शेयर खरीद ले तो ना टेंडर बुलाने की जरूरत है, ना एप्लीकेशन फॉर्म बुलाने की जरूरत है, सीधा स्टॉक मार्केट में जाए और अपने शेयर्स खरीदना चालू कर दे। समझ में आ रहा कि नहीं, और कितने समय मिलेगा कंपनी को यहां पर स्टॉक मार्केट से खरीदने के लिए, बोलो, 1 साल। तो यहां तो कंपनी के शेयर होल्डर अलग अलग प्राइस लेके बैठे होंगे सर, कोई 2100 लेके बैठा होगा, कोई 2200 बैठा होगा, तो बेटा कंपनी यहां पर जिस प्राइस पर मिलेगा उस प्राइस पर खरीदती जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो। कोई शेयर उसको 1900 का भी मिल सकता है, कोई शेयर उसको
2000 का भी मिल सकता है, कोई शेयर उसको 2100 का भी मिल सकता है, जो प्राइस मिलेगी उस प्राइस पर कंपनी यहां से शेयर्स खरीद लेगी। कहां से? फटाफट बोलो, स्टॉक मार्केट से। और ये परचेसिंग मैक्सिमम कितने साल के अंदर उसको खत्म करना पड़ेगी? मैंने आपसे बोला कितने समय के अंदर उसको खत्म करना पड़ेगी, बोलो, 1 साल के अंदर अगर स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदती है तो। क्लियर? लेकिन स्टॉक मार्केट से शेयर यदि खरीदती है तो उसको एक काम और करना पड़ेगा, सेबी की गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कंपनी के शेयर लिस्टेड है तो ही स्टॉक मार्केट में होंगे, और लिस्टेड है तो फिर किसकी गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगी कंपनी को? साथ ही साथ फटाफट बोलो, सेबी की गाइडलाइन भी फॉलो करना पड़ेगी। समझ में आया? बोलो। हेलो। तो दूसरा ऑप्शन हो गया स्टॉक मार्केट के, बेटा स्टॉक मार्केट में जाए और शेयर खरीदना चालू कर दे, 1 साल के अंदर आराम से शेयर खरीदे, कोई दिक्कत नहीं, जब उसका मूड पड़े तब जाए खरीदे, जब देखे सस्ते चल रहे हैं खरीद लाओ, सस्ते चल रहे हैं खरीद लाओ, तो यहाँ कंपनी को फायदा ही फायदा होता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। दूसरा तरीका, एप्लीकेशन फॉर्म बुला ले। एप्लीकेशन फॉर्म दो तरीके से बुलाए जा सकते हैं, प्राइस फिक्स करके या फिर प्राइस बैंड तैयार करके। अगर उसने प्राइस फिक्स करके एप्लीकेशन फॉर्म बुलाया है तो क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बताओ, टेंडर मेथड। और अगर उसने प्राइस बैंड तैयार किया है तो मेथड कौन सी हो जाएगी? फटाफट बोलो, बुक बिल्डिंग। समझ में आया कि नहीं? बोलो। डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक फर्क समझ में आ रहा मेथड में कि नहीं? बोलो हाँ, है ना। तो इस तरीके से भी खरीद सकते। एक और होता है बेटा, मैंने आपसे बोला था ऑड लॉट मेथड, कौन सी? फटाफट बोलो, ऑड लॉट। कौन सा मेथड? फटाफट बोलो बच्चों, अब जरा समझना ऑड लॉट क्या होती है। बेटा कंपनी ने जब शेयर इशू किए, इशू ऑफ शेयर्स, तो जब बताओ कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे तो शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट दिए होंगे कि नहीं? बोलो। हेलो। शेयर होल्डर ने क्या दिए होंगे बेटा? कंपनी ने शेयर होल्डर को दिए होंगे शेयर सर्टिफिकेट, और शेयर होल्डर ने कंपनी को क्या दिया था? फटाफट बोलो, कैश। ओके। हेलो। तो ये इशू ऑफ शेयर्स कहलाता है, अभी बायबैक नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी अब इशू ऑफ शेयर्स किया, कंपनी ने शेयर इशू कर दी। अब जब शेयर इशू हुए तो अलग अलग शेयर होल्डर को अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए होंगे। से इसको मान लो अलॉट हुए थे 1908 शेयर, इसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? मान लो इसको शेयर अलॉट हुए थे 1523 शेयर्स, इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 1629 शेयर, इसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? से 2021, और इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? मान लो इसको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए थे 3032। ये इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? बोलो। हेलो। इतने इतने शेयर मान लो इनको अलॉट हुए, ऐसा हो सकता है कि सबको अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हों? बिल्कुल बेटा, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, तो सबके हिस्से में जितना अप्लाई करते हैं उतने शेयर नहीं आते, कंपनी अपने हिसाब से अलॉट करती है, अलॉट कर दिए शेयर्स। अब सबके शेयर्स अलॉट हो गए, अच्छा शेयर्स अलॉट होने के बाद ये कहाँ बेचने जाते हैं बताओ? शेयर होल्डर को शेयर मिल गए तो ये स्टॉक मार्केट में बेचने जा सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, है ना। तो ये अपने शेयर्स अलॉट होने के बाद शेयर्स को बेचने गए, लेकिन कंपनी ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में एक लॉट साइज फिक्स कर दिया, 50 का लॉट साइज। बोला कि जो भी शेयर स्टॉक मार्केट में मेरी कंपनी के खरीदे बेचे जाएंगे वो 50 शेयर्स ही खरीदे और बेचे जाएंगे। क्लियर? हेलो। 50 के लॉट, 50 के मल्टीपल में ही शेयर्स खरीदे और बेचे जाएंगे। क्लियर है? बोलो। ऐसा किसने फिक्स कर दिया? फटाफट बोलो, ऐसा किसने फिक्स कर दिया? कंपनी ने। अब सारे बच्चे बताओ, इसको टोटल शेयर अलॉट हुए थे 1908, 50 की मल्टीपल में अगर ये शेयर बेचता है तो बताओ कितने शेयर बेच पाएगा मार्केट में? 1900। स्टॉक मार्केट में 1900 बेच देगा क्योंकि 1950 का मल्टीपल है, लेकिन क्या ये 8 शेयर कभी भी मार्केट में बेचने जा पाएगा?
नहीं, इसके पास 8 शेयर बच गए, बेच नहीं जा पाएगा। ये अगर बेचने जाए तो 1500 शेयर बिक जाएंगे इसके स्टॉक मार्केट में, लेकिन इसके पास 23 शेयर का लॉट ऐसा बच जाएगा जो कभी बेच ही नहीं पाएगी ये। सेम ये बेचने जाए तो 1600 शेयर ही बेच देगा, लेकिन इसके पास 29 शेयर का लॉट ऐसा बच जाएगा जो कभी बिकेगा ही नहीं। ये बेचने जाएगा तो इसके पास 21 शेयर का लॉट बचेगा, और ये बेचने जाएगा तो इसके पास 32 शेयर का लॉट ऐसा बच जाएगा जो ये बेच ही नहीं पाएगा स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनी ने अपना लॉट साइज फिक्स कर दिया कि भैया 50 या 50 के मल्टीपल में शेयर खरीदे बेचे जाएंगे। तो अब इनके पास ये शेयर बच गए, ये बेचारे गले के हड्डी बन गए इनके। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में बिकना नहीं है और कंपनी को शेयर बेचने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी से कोई इक्विटी शेयर्स तो बेटा वाइंडिंग अप पे ही बेच सकते हो। तो फिर कंपनी ऐसे केस में क्या करती है कि इन गरीबों को बोलती है, देखो तुम्हारे पास ये जो शेयर बच गए हैं ना, इन शेयर को हम आज के बाद एक नाम रख देते हैं, ऑड लॉट। क्या नाम रख देते हैं इनका? फटाफट बोलो, ऑड लॉट। क्या नाम फिक्स कर दिया? फटाफट बोलो इनका, ऑड लॉट। और बोले अब बायबैक जब आएगा तो कंपनी बोलेगी ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास ऑड लॉट पड़े हैं, जो गले की हड्डी बन गए थे और तुम दुखी थे, आज कंपनी उनको खरीद रही है, तो कंपनी इनको बायबैक कर लेती है, वापस से खरीद लेगी, ताकि शेयर होल्डर खुश रहे कि उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई। तो कंपनी ऑड लॉट शेयर्स भी खरीद सकती है। ऐसे केस में केवल वो शेयर होल्डर ही अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास क्या होंगे, फटाफट बोलो, ऑड लॉट अवेलेबल होंगे। जिनके पास ऑड लॉट अवेलेबल नहीं होगा वो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? सर ये कैसे पता चलेगा ऑड लॉट है? बेटा आपके पास शेयर हैं 1908 जब कंपनी ने आपको दिए थे, स्टॉक मार्केट में 50 का लॉट चल रहा है, आप बेचने जाओ तो आपके बिक नहीं रहे हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे पास 8 शेयर ऑड लॉट है। समझ में आ रहा कि नहीं? और कंपनी के पास हिसाब किताब रहता है इसका कि किस किस शेयर होल्डर के पास ऑड लॉट है। उनको कंपनी खुद एप्लीकेशन फॉर्म भेज देगी कि कंपनी खरीदना चाहती है, तुम्हारे पास जितने भी ऑड लॉट हैं बेचो। क्लियर? हेलो, तो ये ऑड लॉट हो गए। बिल्कुल बेटा, ये नंबर में होते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स पर नहीं होती है बेटा। नंबर नंबर ऑफ शेयर्स देखे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स का लॉट मार्केट में बिक सकता है। तो 1950 के मल्टीपल में आता है, लेकिन 850 के मल्टीपल में नहीं आता। ये डिपेंड करता है कि कितना शेयर्स का लॉट रखना है, ये कंपनी के खुद मूड के ऊपर होता है कि क्या लॉट साइज रखा जाए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में 1-2 शेयर नहीं मिलते कि तुम जाओ और जाके बोलो कि मेरे को 1 शेयर खरीदना है, नहीं मिलेगा अगर कंपनी ने अपना लॉट साइज फिक्स कर रखा होगा। समझ में आएगी? नहीं, बंच में ही खरीदना और बेचना पड़ेंगे। क्लियर? हेलो बेटा सौम्या, तुम क्या बोलना चाहते हो एक बार पूरा बता दो फिर से, क्या बोल रहे हो आप? मेरे को यहां दूर से दिखाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हो। ओके हाँ बेटा मैं अपलोड कर दूंगा क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं, बट इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं बोलो। तो ये बेटा ऑड लॉट होता है, ऑड लॉट वाले शेयर्स भी खरीद सकते हैं। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका मैंने आपको बताया, एक और, सारे बच्चे बताओ कौन सा। ईशोप वाले शेयर्स खरीद सकते हैं। अब ईशोप तो सभी समझते हैं, ईशोप पढ़ भी चुके हैं कुछ बच्चे। ईशोप मतलब वो शेयर जो कंपनी के पास एम्प्लॉय के पास है। तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि भैया देखो हम एम्प्लॉय से शेयर्स खरीदने को तैयार हैं, और कंपनी जब एम्प्लॉय से शेयर्स खरीदने को तैयार होती है तो वो शेयर्स बेटा एक पर्टिकुलर फिक्स हो गए कि कंपनी एम्प्लॉय के शेयर ही खरीदेगी, बाकी लोगों के शेयर्स नहीं खरीदेगी। तो बेटा स्पेसिफिक पर्सन हो गए, तो कंपनी स्पेसिफिक पर्सन से भी बायबैक कर सकती है। तो इतने तरीके होते हैं, इसमें से चलते केवल दो ही हैं। एक चलता है बुक बिल्डिंग और दूसरा चलता है टेंडर और एक स्टॉक मार्केट। चलते तीन ही हैं जनरली रियल लाइफ में। और लॉट और ये तो केवल थियोरेटिकल बातें रह गई हैं, प्रैक्टिकली जनरली ये होते नहीं हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन भी बहुत कम मिलता है। लेकिन हाँ, आपकी स्टडी मटेरियल में दिया था इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया कि ये चार तरह की चीज़ें होती है। क्लियर? कोई डाउट? हेलो हाँ कुछ पूछना है बेटा? नो, गुड। और रिटेल शेयर होल्डर क्या होते हैं, नॉन रिटेल क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब देखो जरा ब्रीफली मैं समझाऊं टेंडर ऑफर में क्या क्या होता है। देखो टेंडर ऑफर में क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होगा, अगर टेंडर ऑफर आपको लाना है तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि देखो भैया
बायबैक करना है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले लेंगे, तो डिसीजन लेने के बाद कि भैया चलो बायबैक करना है, ये डिसीजन लेने के बाद एक पब्लिक नोटिस भेजा जाएगा स्पेशल रिजोल्यूशन का। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना है तो किसको? शेयर होल्डर को। उनकी परमिशन लेना पड़ेगी, मतलब विदाउट परमिशन आप बायबैक नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन के बिना कर रहे हो तो भी ऑफर है, कर सकते हो, लेकिन फिर बायबैक का रेट कम हो जाता है, आप केवल 10% ही बायबैक कर पाओगे, 10% से ज्यादा का बायबैक नहीं कर पाओगे। लेकिन आप चाहते हो 10% से ज्यादा बायबैक करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए पब्लिक नोटिस भेजना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस किसको भेजना पड़ेगा? शेयर होल्डर को, कि साहब हम बायबैक करना चाहते हैं, क्या आपकी परमिशन है? जब शेयर होल्डर को एप्लीकेशन मिलेगी तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे, हाँ हाँ बायबैक करो, अच्छी बात है, फायदा होगा हमको, बिल्कुल बायबैक करो। तो शेयर होल्डर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया। अगर शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया तो उसके बाद कंपनी एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेगी। वो मर्चेंट बैंकर के थ्रू ही सारा लेन देन होगा, मतलब पैसा जो भी होगा शेयर होल्डर के अकाउंट में मर्चेंट बैंकर के थ्रू जाएगा और शेयर सर्टिफिकेट भी मर्चेंट बैंकर के थ्रू कंपनी तक पहुंचेंगे। तो ये सारा काम करने के लिए एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर दिया जाता है। जब मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हो गया तो फिर आता है पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब फिर सब लोगों को खबर पहुंचती है कि कंपनी बायबैक कर रही है, कंपनी बायबैक कर रही है, मतलब कंपनी एक एडवर्टीजमेंट दे देती है कि हाँ भैया अब कंपनी बायबैक कर रही है। एडवर्टीजमेंट देने के बाद, पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करना पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या? लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर में क्या लिखेगी? शेयर की प्राइस क्या रहेगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये सारा खुला रहेगा। LOO का मतलब है बेटा लेटर ऑफ ऑफर, ध्यान रखना। तो लेटर ऑफ ऑफर तैयार करेगी, लेटर ऑफ ऑफर तैयार करके कौन सी प्राइस पे खरीद रही है, किस प्राइस पे खरीदेगी, कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में खरीदेगी, कम डेट प्राइस क्या रहेगी, एक्स डेट कम प्राइस क्या रहेगी, रिकॉर्डेड डेट क्या रहेगी, ये सारी बातें लेटर ऑफ ऑफर में लिखी जाएंगी। प्राइस क्या रहेगी ये भी पहले से फिक्स होगी, क्योंकि टेंडर मेथड है। फिर सेम डॉक्यूमेंट्स सेबी के पास और स्टॉक एक्सचेंज के पास भेजना पड़ेगा, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो। अगर लिस्टेड नहीं है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भेजने की जरूरत नहीं है। फिर सर क्या होगा? सेबी का क्लियरेंस मिल गया, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी क्लियरेंस देगी, स्टॉक एक्सचेंज परमिट करेगा आपको। तो फिर आप एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड करोगे और उस स्पेसिफिक डेट से एप्लीकेशन फॉर्म बांटना चालू करोगे। थ्रू न्यूज़पेपर जा सकते हो, थ्रू ब्रोकर्स जा सकते हो, थ्रू आप किसी भी अंडरराइटर के थ्रू जा सकते हो, बैंकर्स के थ्रू जा सकते हो, जैसे भी हो लेटर ऑफ ऑफर अब आप डिस्पैच करना चालू करोगे न्यूज़पेपर के थ्रू। फिर ओपनिंग डेट पर सभी लोग जिनके पास शेयर्स होंगे, आपको पता है वो लोग जिनके नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर में आ गए थे रिकॉर्डेड डेट पर, वो लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्लोजिंग डेट तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी। क्लोजिंग डेट पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद शेयर होल्डर जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद उनके सर्टिफिकेट को विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और डिस्ट्रॉय करने के बाद कंपनी ROC को एक इंफॉर्मेशन फाइल कर देगी कि कंपनी का बायबैक कंप्लीट हो गया है और इतने शेयर उसने खरीदे हैं, इस प्राइस पर खरीदे हैं, ऐसे खरीदे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ROC को दे देगी, काम खत्म हो गया। ये मेथड कहलाती है बेटा टेंडर मेथड। तो टेंडर मेथड आप अपनी मॉड्यूल के अंदर देखोगे तो उनने बहुत सारा एक पूरा पेज भर रखा है, मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में डिटेल में लिख दिया है कि कुछ इस तरीके से टेंडर मेथड फॉलो की जाएगी। क्या ये समझ में आ गई सबको? फॉलो, हेलो, गुड, दैट मेथड इज टेंडर मेथड। इसके बाद सर बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है? बुक बिल्डिंग मेथड भी बिल्कुल ऐसी ही होगी। क्या चेंज होगा बुक बिल्डिंग मेथड में? देखो, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, सर वहां भी हुई थी, यहां भी होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वहां भी हुआ था, यहां भी हुआ था। मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होगा, बिल्कुल यहां भी होगा। यहां एक्स्ट्रा काम क्या होगा? एक एस्क्रो अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता? एस्क्रो अकाउंट मतलब बेटा आपको कुछ मिनिमम डिपॉजिट्स, जितने रुपए का आप बायबैक कर रहे हो उसका कुछ मिनिमम पार्ट बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है। से मैं 500 करोड़ रुपए का बायबैक कर रहा हूं तो 500 करोड़ में से कंपनी बोलेगी चलो 100 करोड़ रुपए जमा करो और ये 100 करोड़ रुपए फ्रीज रहेंगे जब तक कि बायबैक खत्म नहीं हो जाता।
तो आपको अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा जो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा मतलब कंपनी उस पैसे का फिर यूज नहीं कर सकती। कब तक? जब तक कि बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता। समझ में आया कि नहीं बोलो? हेलो बच्चों, तो एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। किसके यहां पर अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा? एस्क्रो अकाउंट मर्चेंट बैंक करके यहां। क्लियर है कि नहीं बोलो? फिर क्या होगा सर? फिर वो ही बेटा पब्लिक अनाउंसमेंट, सेबी के पास इंफॉर्मेशन। अब यहां तो सेबी से लेनी पड़ेगी क्योंकि कंपनी लिस्टेड ही होगी, क्योंकि ओपन मार्केट से खरीद रही है। फिर ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट के बीच में कंपनी शेयर अप्लाई एप्लीकेशंस रिसीव करेगी, प्राइस डिसाइड करेगी। यहां देखो एक नया स्टेप जुड़ा, प्राइस डिटरमिनेशन। सारे बच्चे बताओ क्या टेंडर मेथड में प्राइस डिसाइड करने का ऑफर था क्या? बोलो नहीं। यहां एक प्राइस डिसाइड होगी। प्राइस क्यों डिसाइड होगी आप सारे बच्चों को पता है क्यों? क्योंकि यहां एक प्राइस बैंड बताया गया था कि इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में शेयर खरीदेंगे। यहां प्राइस डिसाइड की जाएगी, फिर जो प्राइस डिसाइड की गई उस प्राइस पर शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट करने के बाद उनके सर्टिफिकेट लेकर के उनको इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी उनको रीइशू नहीं कर सकती। फिर आरओसी को रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये मेथड कौन सी मेथड कहलाती है बच्चों? बुक बिल्डिंग मेथड। क्लियर? हेलो तो ये दो मेथड्स हो गई बेटा, इस तरीके से बायबैक किया जाता है। चलो मैं आपको इन दोनों मेथड का एक एक्सपर्ट व्यू भी आपको सुनाता हूं। सुने, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो पूरी सारी बातें आपको एक एक्सपर्ट व्यू के रूप में, टेलीविजन की एक क्लिप है, जरा ध्यान से सुनना। हम समझ रहे हैं बायबैक और उसके मायने। बायबैक के प्रकार भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, आमतौर पर दो तरह के बायबैक होते हैं। एक तो कहते हैं जिसे ओपन ऑफर और दूसरा टेंडर ऑफर। अच्छा, हाँ ये सिंपल चीज है। ओपन ऑफर मतलब क्या है? सबके लिए ओपन है, हर तरह के इन्वेस्टर के लिए। हर तरह के इन्वेस्टर के लिए ओपन है। कैसे है? आप में कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो इस बायबैक में भाग ले सकता है, अपने शेयर दे सकता है। ओपन ऑफर में क्या होता है? ओपन ऑफर में होता ये कि एक प्राइस फिक्स है, इसी प्राइस पे शेयर का बायबैक किया जाएगा। जैसे कि TCS ने कह दिया हम 2100 रुपये में बायबैक करें। ओके, ये ओपन ऑफर बायबैक आ गया। वो इन्वेस्टर जिन्हें अपने बायबैक में शेयर बेचने हैं, कंपनी को वापस देने हैं, वो 2100 रुपये के दाम पर टेंडर ऑफर में दे सकता है। ठीक है, इसको ओपन ऑफर भी बोलते हैं, टेंडर ऑफर भी बोलते हैं। दोनों चीज़ें कि आप टेंडर कर रहे हो, कंपनी को टेंडर कर रहे हो, कंपनी को शेयर वापस दे रहे हो, तो चाहे आप इसको ओपन ऑफर बोल दें या टेंडर ऑफर बोल दें, एक ही बात है। okay. ये बायबैक है। दूसरा जो बायबैक है वो ओपन मार्केट परचेज वाला है। अच्छा, इसमें आपको कंपनी को वापस शेयर टेंडर नहीं करने। ओके, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसे समझिएगा। पहला वाला क्या है? एक फिक्स प्राइस है, फिक्स तारीख है, आपको शेयर देने, ओपन ऑफर आ रही है कंपनी की तरफ से, ओपन ऑफर आता है कि हम बायबैक के लिए ओपन ऑफर दे रहे हैं, आपको शेयर टेंडर करना है टेंडर कर दीजिए, सिंपल। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस फिक्स है, समय फिक्स है, सब कुछ ठीक है। दूसरा है ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट परचेज का हिंदी में मतलब क्या? खुले बाजार से खरीदारी करिए। बायबैक में खरीदारी कौन करता है? कंपनी। कंपनी, हाँ। बेचता कौन है? शेयर होल्डर्स। हाँ। खुले बाजार में खरीदारी करनी है कंपनी को, तो कब करनी है, कितने शेयरों की करनी है, किससे करनी है, किससे करनी है, किस प्राइस पर करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी खुद। अच्छा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये कि जब ओपन मार्केट परचेज वाला बायबैक आता है तो कंपनी को एक चीज साफ बोलनी पड़ती है कि हम इतने शेयरों का बायबैक करेंगे, उसमें शेयर बताने पड़ेंगे। हम ओपन मार्केट परचेज के जरिए इस प्राइस तक करेंगे, वहां प्राइस फिक्स हो गई। अच्छा, आप उस भाव के ऊपर जाकर नहीं कर सकते, तो कंपनी को ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है। हाँ, स्पेसिफिक दोनों ही केस में है। ओके, उधर आपकी एक ही प्राइस फिक्स है। हाँ, समझिए मैं एग्जांपल देता हूँ। TCS का बायबैक है और वो टेंडर ऑफर या ओपन ऑफर के जरिए 2100 रुपये के दाम पे। ठीक है, तो आपने शेयर दे दिए 2100 रुपये के दाम पे। क्लियर है, साफ है, इजी है। अब समझिए TCS का ये ओपन ऑफर 2100 के दाम पे ओपन ऑफर वाला नहीं होता और TCS ये कहती है कि हमारा भाव देखिए 1700-1800 चल रहा है, हम इतने लाख शेयर खरीदेंगे मार्केट से, 2100 रुपये तक खरीदेंगे। अच्छा, तो अब वो 2100 रुपये तक के खरीदने में TCS क्या कोशिश करेगा कि भाई जब मुझे समझिए 50 लाख शेयर खरीदने मार्केट से, तो मैं 50 लाख शेयर कम से कम भाव में खरीदने की कोशिश करूंगा ना, 2100 से भी कम भाव में। हाँ, 1800 में भी करूंगा, 1750 में भी करूंगा, 1900 में भी करूंगा,
लेकिन 2100 के ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, अच्छा। क्योंकि आपको अप्रूवल 2100 रुपए तक की ही से भी नहीं दिए। ओके। तो इसमें अपर प्राइस फिक्स होगी। तो ओपन ऑफर में एक ही प्राइस फिक्स है, उसी पर आपको खरीदना है। 2100 खरीदना बेचना हाँ, दोनों फिक्स है दोनों के लिए। लेकिन इसमें जो है वो प्राइस फिक्स नहीं है, तो कंपनी अपने हिसाब से जब उसे ठीक लगे मार्केट से धीमे 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 खरीद सकती है। वो चाहे तो एक ही दिन में खत्म कर दे, लेकिन इसका चलता है 1 साल तक ओपन ऑफर परचेज के जरिए। जैसे आज अनाउंस किया है 1 साल के भीतर भीतर आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, तो आपकी मर्जी है आप 1 दिन में कंप्लीट करें, 3 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी की इच्छा है, कंपनी अपने हिसाब से खरीदती है। तो ओपन ऑफर परचेज 1 साल तक चल सकता हाँ, है हाँ, लेकिन और टेंडर ऑफर का 1 महीने का पीरियड होता है। अच्छा, तो उस एक महीने ओपन होने से क्लोज होने के बीच में 1 महीने का पीरियड होता है आमतौर पर। उस पीरियड के भीतर भीतर आपको वो शेयर जो लास्ट डेट है उस डेट के पहले आपको शेयर कंपनी को दे देने। अच्छा, तो किसी तरह का भी बायबैक हो अगर टेंडर है तो 1 महीने तक का, ओपन मार्केट परचेज है तो फिर 1 साल का वो कंपनी कभी भी खरीदती रहेगी, लेकिन अपर प्राइस फिक्स है। ओके, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और उसमें कुछ एक और चीज़ ये भी है कि कुछ अमाउंट फिक्स भी है कि मिनिमम आपको इतने शेयर तो खरीदने। समझिए टीसीएस ने बोला हम 2100 रुपये तक ओपन मार्केट से खरीदेंगे, भाव चल रहा है 1800 रुपये। अब टीसीएस सोचे कि ये तो भाव 1500 आ जाएगा तब लेंगे या 1600 और नीचे में लेंगे और नीचे में खरीदेंगे, तो फिर सेबी कहती है आपको मिनिमम 25% या इतना तो खरीदना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अनाउंस करके खाली बैठ जाएं हाँ, और वेट करें हाँ, वेट करते रहते हाँ। तो इतना तो खरीदना ही पड़ेगा इस पीरियड में, अगर आपने उतना नहीं खरीदा तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं खरीदा। ओके हाँ, तो इसलिए फिर ऐसे में ओपन मार्केट परचेज में जब बायबैक आता है तो कंपनियां जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेबी की हाँ। उतना तो वो पहले से खरीद ही लेगी जल्दी जल्दी, बाकी का बाद में देखेंगे ऐसा। ठीक है, तो टेंडर ऑफर और ओपन मार्केट परचेज दोनों में ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? ज्यादा फायदेमंद दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है। कंपनी के एंगल से देखेंगे हाँ, कंपनी के एंगल से देखेंगे तो ओपन मार्केट परचेज ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि अपर प्राइस फिक्स है, उस प्राइस के नीचे नीचे जितने शेयर मिले खेल सकते हैं आप, अलग अलग प्राइस पे ले सकते हैं, खराब दिन ले सकते हैं और सबको इसी पर्टिकुलर हाईएस्ट प्राइस पे लेना जरूरी नहीं, नीचे के भाव में ले सकते हैं, तो कंपनी के लिए वो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन मैं शेयर होल्डर हूँ तो मेरे लिए टेंडर ऑफर फायदेमंद है। ओपन ऑफर जिसमें आता है फिक्स प्राइस है, मेरे लिए आसान है कैलकुलेट करना कि मेरा शेयर 2100 रुपये में जा रहा है, आज 1800 चल रहा है, 2100 में मेरा बिक रहा है, 300 रुपये ऊपर की प्रीमियम में मेरा शेयर जा रहा है, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो शेयर होल्डर के एंगल से ओपन ऑफर वाला हाँ। वो ज़्यादा फायदेमंद है और कंपनी के एंगल से ओपन मार्केट परचेज वाला ज़्यादा फायदेमंद है। और आजकल आते कौन से बायबैक हैं? दोनों ही तरह के आते हैं, दोनों ही तरह के आते हैं, ओपन मार्केट परचेज भी आएंगे और टेंडर ऑफर भी आएंगे। उसमें मेंशन्ड होता है ये कौन सा वाला? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो पता नहीं पड़ेगा, उसके बगैर तो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगी। आपको अप्रूवल लेने के पहले ऐसा नहीं बायबैक का मेरा मन हुआ आज मैंने बायबैक अनाउंस कर, नहीं, बायबैक भी रेगुलेटर अप्रूव करते हैं भाई। ऐसा नहीं कि मेरी कंपनी का शेयर मैं ही खरीदा हूँ मुझे किसको पूछने की जरूरत है, जी नहीं, बताना है आप और मेरे को शेयर खरीदना है तो सेबी को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी को अपना शेयर खरीदना है बायबैक करना है तो अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसी के बाद पहले कंपनी बोर्ड में अप्रूव करेगी जी, उसके बाद कंपनी रेगुलेटर्स को, एक्सचेंज को और सेबी को लिखेगी कि हम ये ऐसा ऐसा बायबैक करना चाहते हैं, उनकी अप्रूवल आने के बाद ही बायबैक कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। ओके हाँ, परमिशन तो चाहिए भाई। ठीक है, तो एज एन इन्वेस्टर हमने मन बना लिया बायबैक में हिस्सा लेना है, ठीक है, अब समझाएं प्रोसीजर क्या है। प्रोसेस सिंपल है, देखिए बायबैक में वही दो डेट होती है, वही दो डेट, कौन सी? पिछली बार डेट और रिकॉर्ड डेट। हाँ, तो पहली चीज ये कि रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डेट के दिन आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ही आप बायबैक में हिस्सा ले पाएंगे, करेक्ट? जी, ठीक है। तो वो डेट आपको पता है, फर्ज कीजिए वो डेट है 5 मार्च जी, ठीक है, तो 5 मार्च को आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए, ठीक है। तो 5 मार्च को शेयर खरीदने के लिए आपको 5 मार्च से पहले खरीदने, और पहले खरीदने हैं तो एक और डेट का ध्यान रखना है, वो एक्स डेट, कब शेयर एक्स बायबैक ट्रेड करना शुरू कर रहा है। आमतौर पर 1 दिन पहले होता है, समझिए 5 मार्च की डेट है तो 4 मार्च से एक्स डेट हो जाएगी, तो 3 मार्च तक आपने अगर शेयर खरीदे हैं तो 5 मार्च को आपके अकाउंट में होंगे, करेक्ट, इसका फायदा मिलेगा, तो वो आपको फायदा मिल जाएगा। तो एक्स डेट के पहले आपको शेयर खरीद लेने हैं, रिकॉर्ड डेट के दिन आपके अकाउंट में होने हैं, और जब आपके पास ये शेयर हैं तो फिर जिस दिन बायबैक खुला और जिस दिन बंद हो रहा है, आमतौर पर 1 महीने का पीरियड होता है, करेक्ट जी, उस 1 महीने के पीरियड के दौरान आप जब चाहें बायबैक में शेयर टेंडर कर सकते हैं, चाहे पहले दिन करें चाहे आखिरी दिन करें, आपके ऊपर है। तो वो आपको
आखिरी दिन के बाद तो नहीं कर पाएंगे नेचुरली, तो बायबैक खत्म होने की जो डेट है उससे पहले आप टेंडर कर सकते हैं। ये टेंडर ऑफर की बता रहा हूँ, जो ओपन ऑफर आता है जिसकी बात बता रहा हूँ, जहाँ आप शेयर दे सकते हैं। ओपन मार्केट परचेस से तो कंपनी को करना है, वो तो आपको पता भी नहीं होगा कंपनी कब खरीद रही कब नहीं खरीद रही, वो खुद कर रही है। लेकिन जो हमें पता है कि ओपन ऑफर आया है, तो ओपन ऑफर की जो लास्ट डेट है उसके पहले आपको शेयर टेंडर कर देने। तो आमतौर पर लोग आखिरी दिनों में ही करते हैं, एक आध दिन आगे पीछे। उसकी रीज़न ये कि समझिए TCS का बायबैक है, जब आया था तब 1800 का दाम था, उन्होंने 2100 में बायबैक दिया, अब यहीं पर 2100 रुपये का भाव हो गया या 2100 के ऊपर निकल गया मार्केट में, तो आप बायबैक में 2100 में क्यों देंगे, फिर यहीं बेच लीजिए। यस, तुरंत पैसा आ गया आपके हाथ में। अच्छा, और प्रोसेस के मामले में ऐसा है कि जैसे आपने बायबैक के लिए दिया, डेट खत्म हुई, 7 दिन के भीतर भीतर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने शेयर बायबैक में एक्सेप्ट हुए हैं। जरूरी नहीं कि सारे के सारे ले लेगी। देखिए बायबैक में एक चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है कि सारे शेयर जाएंगे ये जरूरी नहीं, तो जितने शेयर आपको बायबैक में गए उतने ठीक, बाकी शेयर आपको वापस मिल जाएंगे, और जितने शेयर बायबैक में गए उस हिसाब से पैसे आपको आ जाएंगे। तो सवाल जवाब तो खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन टाइम लिमिट हो गई है, तो अगले एपिसोड में फिर गुरु ज्ञान के बिना नहीं जाने देंगे। तो गुरु ज्ञान आज का क्या है? देखिए गुरु ज्ञान ये है कि जो भी कंपनी बायबैक का ऐलान करती है उसको बहुत आप वेटेज दीजिए। वेटेज इसलिए आज से कि कंपनी बायबैक का ऐलान तभी कर सकती है जब कंपनी के पास अच्छा खासा मुनाफा हो रहा हो, एक साउंड कंपनी, और मुनाफे के साथ साथ कंपनी में कैश भी हो। कई बार क्या होता है, मुनाफा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में कैश नहीं होता। तो जिन कंपनी के पास कैश है वही बायबैक करती है, और ऐसे में अगर आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं तो बायबैक वाली कंपनियों पर ज़्यादा फोकस करें। किस कंपनी ने कितनी बार कितनी प्रीमियम पर बायबैक किया है, वो कंपनियां आपके रेडार पर हमेशा निवेश के लिए आज से होनी चाहिए। वो हमारे स्टेटस, कंपनी का स्टेटस दर्शाती है, कंपनी की स्टेटस दिखाती है, मैनेजमेंट की क्वालिटी दिखाती है। तो बच्चों क्लियर हुआ? गुड। तो अभी समझ में आ गया टेंडर और बुक बिल्डिंग, स्टॉक मार्केट, ऑड लॉट और ईसोप के थ्रू शेयर्स खरीदना। समझ में आया कि नहीं बोलो? ओके okay. अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस कैसे तय होती है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन अपन कल डिस्कस करेंगे। बट जितना अभी मैंने पढ़ा है सारे बच्चे उतना पढ़ के आएंगे, ठीक है? जी बेटा बोलो। बिल्कुल बढ़ेगी, आप रखे रहो मत बेचो। मेरे को तो अभी फायदा चाहिए बेटा, मैं अभी बेचना चाहता हूँ, मेरे को तो आज ही फायदा चाहिए। आप ऐसे समझो कि अभी लैंड की वैल्यू 5 लाख चल रही है और मेरे को आज ही पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इंतजार करूँगा कि नहीं 10 लाख हो जाएगी तब बेचूँगा? जिनको पैसा आज ही चाहिए वो आज ही बेच देंगे, जिनको लगता है नहीं फ्यूचर में और भाव बढ़ेंगे वो होल्ड करके रख लेते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि तुमको बेचने हैं। हाँ तो होल्ड करो ना, किसने मना किया? ये सब शेयर होल्डर का डिसीजन है ना बेटा, कि उसको बेचना है कि नहीं बेचना। भाई जैसे मैं हूँ, मैं अपना बताऊँ तो मैं लंबे समय के लिए शेयर में पैसा लगाना नहीं चाहता और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इशू में पैसा ना लगा के बायबैक में लगाओ। जब TCS का बायबैक आया 1800 में शेयर खरीदा, 2100 में टिका के 1 महीने में प्रॉफिट कमाया और बाहर हो गया। समझ में आया? 1 महीने में 300 रुपये एक शेयर पर प्रॉफिट। तो अगर मैंने ऐसे 10,000 शेयर खरीदे होंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 300 कर दो, ये आपका आंसर प्रॉफिट हो गया। क्लियर बोलो? तो ये कम समय में पैसा बनाने का तरीका है। क्लियर है बच्चों? ओके तो कल मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय बच्चों, बाय बच्चों, बाय बाय।